अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक। मोबलिंक जहाज की सिम पर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। जी हाँ, अनलिमिटेड फ्री इंटरनेट बगैर किसी बैलेंस के और बगैर किसी पैकेज के। बहुत ही आसान तरीका है। आप भी नेट का पैकेज करते होंगे और आए दिन आपका पैकेज ख़त्म हो जाता है। इस मसले का हल ये है कि इस वीडियो को पूरा देखें और फ्री इंटरनेट इस्तेमाल करें बगैर किसी बैलेंस के। इसमें आपके MBs भी ख़त्म नहीं होंगे। सबसे पहले आपने करना ये है कि एक दफ़ा नेट से कनेक्ट होकर सर्वर से कनेक्ट हो जाना है। उसके बाद अपना नेट ऑफ़ कर दें और मज़े करें फ्री इंटरनेट के। इसमें कोई MBs की रिस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है, आप अनलिमिटेड इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये तरीका खुद करके देखा है और इसमें मेरे पास अच्छी खासी स्पीड भी आ रही है। 23 MB तक डाउनलोडिंग और 10 MB तक अपलोडिंग आराम से आ रही है। इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने बताई गई एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक से ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स दी गई हैं। इनमें से कोई भी फ़ाइल आप डाउनलोड करें और एप्लीकेशन के अंदर आपने इस फाइल को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद सर्वर को स्टार्ट करना है और नॉर्मल इंटरनेट जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे आपने डिसकनेक्ट हो जाना है। और जिस सिम पर आप फ्री इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं उस सिम पर आप डेटा ऑन कर लें। बेहतर है कि इस सिम में आपका बैलेंस ना हो ताकि किसी किस्म के बैलेंस के इस्तेमाल होने का रिस्क ना रहे। इसकी मुकम्मल तफसील देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर, लेकिन उससे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स तकरीबन 7 दिन की इनकी एक्सपायरी है। 7 दिन आप फ्री यूज़ करें, उसके बाद आपको नई फाइल यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ उनकी एक्सपायरी डेट भी मेंशन होगी। अगर आप ये फाइल्स खुद बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल तैयार करने का तरीका बता दूंगा। आइए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल तरीका। मोबलिंक जैज़ पर फ्री इंटरनेट यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएँ और यहाँ टाइप करना है आपने ओपन टनल। ओपन टनल टाइप करेंगे तो आपके सामने ये एक ऐप शो होगी। इसके आइकॉन को गौर से देख लें तो ये ऐप मेरे पास पहले से इंस्टॉल शुदा है। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर टॉप पर आपके पास एक सेटिंग का निशान शो हो रहा है, उसके साथ 3 डॉट्स हैं। इनके दरमियान में एक आइकॉन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इम्पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन और एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के 2 ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपने इम्पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर आपने एक फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। ये फ़ाइल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़राहम कर रहा हूँ। एक से ज़्यादा फाइल्स के लिंक मौजूद हैं, इन फाइल्स को आप डाउनलोड कर लें और फिर उस फाइल को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जब आप इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे तो अब ये फ़ाइल इस एप्लीकेशन में लोड हो गई है। अब आप सिर्फ इतना आपने करना है कि आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर आप क्लिक करेंगे तो सर्वर के साथ आपका कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ गया है पासवर्ड ऑथेंटिकेटेड एंड कनेक्टेड। इसका मतलब है कि आप सर्वर से कनेक्ट हो गए हैं और अब आप फ्री इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप ये देखें, यहाँ मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, तो आप भी इसको कनेक्ट करके और चेक कर सकते हैं और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपके पास काम कर रही है या नहीं। इस सिलसिले में मज़ीद आप कोई सवाल पूछना चाहें तो भी कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं।